जो मकर राशि वाले जातक हैं, आज आपको अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज आपको नया रोजगार मिल सकता है, रोजी रोजगार के क्षेत्र में आज आपको लाभ मिलेगा और दूर देश की यात्रा हो सकती है। न्यायालय में आज आपको विजयश्री मिलेगा, रुका हुआ कार्य संपन्न होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, आयात निर्यात होने की भी संभावना बन रही है। अनचाही यात्रा से थोड़ा मन आपका चिंतित हो सकता है। आज जो मकर राशि वाले जातक हैं, आपका सूर्य बुध लग्न से आठवें भाव में बैठा हुआ है। जब आठवें भाव में होने से क्या होता है कि एक तो आपकी माली हालत अच्छी होगी, दूर देश की यात्रा होगी और रुका हुआ धन मिलेगा और थोड़ा हेल्थ को लेकर के सचेत रहने की ज़रूरत है। और आपका बृहस्पति शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ है, तुला राशि का बृहस्पति और शुक्र तुला राशि का केंद्र से दशम भाव में बैठा हुआ लग्न से, तो इसमें क्या होता है कि आपके पिता का सुख मिलेगा, कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, मान सम्मान मिलेगा, रोजी रोजगार के क्षेत्र में आज आपको लाभ मिलेगा, नया इंडस्ट्री खोल सकते हैं और पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। और ध्यान रखना है कि अगर कोई नए कार्य के लिए जा रहे हैं तो पिता का आशीर्वाद लेना न भूलें। सावधानी क्या बरतनी है, आज सावधानी बरतने की पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, कटु भाषा बोलने से परहेज करना है। उपाय क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक जलाएं आपके लिए अच्छा रहेगा। गरीबों को भोजन कराएं, जो असहाय हैं पीड़ित उनको भोजन कराना आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुभ अंक 4 है, शुभ रंग सफ़ेद है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण।